यार आज फिजिक्स में मचाते हैं। A spy jumps from an airplane with his parachute. The spy accelerates downward for some time. When the parachute opens, the acceleration suddenly checked and the spy slowly. तो भाई क्या होता है ना? देखो जब भी अपन ये इसका एक टर्मिनल वेलोसिटी अटेंड कर लेते हैं अपन लोग है ना, जब अपन को पता है ना एयर रेजिस्टेंस में गिरते हैं, ठीक है, तो जब तुम पैरासूट के साथ गिरते हो तो होता क्या है यार, बहुत सारा एयर रेजिस्टेंस होता है पैरासूट में। अब मैं अच्छा पैरासूट तो नहीं बना पाऊंगा, बना देता हूं जैसा भी बनेगा। ये मान लो तुम है ना, तो क्या होता है भाई, जितना एम जी लग रहा होता है उतना ही फोर्स लगता है, इसको ड्रैग फोर्स बोल दो, फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस बोल दो, विस्कस फोर्स बोल दो, कुछ भी बोल देना, तो उतना ही लगता है ना। तो जो और ये फोर्स बहुत लार्ज होता है ना, दिस इज हाई, तो जो तुम्हारी तुम जो वेलोसिटी अटेंड करते हो टर्मिनल वेलोसिटी, इट इज वेरी लो, टर्मिनल वेलोसिटी इज वेरी लो, है ना। अब जिन लोगों को टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट नहीं पता अभी, तो फ्लूट के चैप्टर तक रुकना, तुम्हें पता चलेगा ना। तो पैरासूट यही करता है, जब तुम बिना पैरासूट के होते तब भी तुम टर्मिनल वेलोसिटी अटेंड कर लेते हो, पर वो टर्मिनल वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, उस वेलोसिटी से अगर तुम ग्राउंड पे टकराओगे तो मर जाओगे। जब तुम ये पैरासूट पहन लेते हो तो तुम्हारी टर्मिनल वेलोसिटी बहुत कम हो जाती है, इतनी कम हो जाती है तुम ग्राउंड पे आराम से जंप मार सकते हो, तुम्हें हर्ट नहीं होगा, बहुत कम हो जाती है, टर्मिनल वेलोसिटी इज वेरी लो। तो पैरासूट इसी हिसाब से डिजाइन किया जाता है ना। तो टर्मिनल वेलोसिटी कैसे अटेंड करते हैं, कहां से आता है, ये सारा कंसेप्ट ये फ्लूट्स में पढ़ेंगे, ठीक है, फ्लूट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। डन।